सो वेलकम बैक। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे लिखते हैं एक वेकेशन लीव लेटर। कोई अगर आप लीव लेना चाहते हैं वेकेशन के लिए, तो आप कैसे लेटर लिखेंगे अपने अपने कंपनी में या अपने बॉस से कैसे आप बोलेंगे। तो सबसे पहले कुछ टिप्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले ये आप पता चले ये फॉर्मल लेटर रहेगा, आपको अपना टोन बहुत पोलाइट रखना होगा और पॉजिटिव रखना होगा वर्ड्स, ठीक है। फिर आपको नेसेसरी डेट, ड्यूरेशन और जो जो नेसेसरी डिटेल्स है टाइम से रिलेटेड वो आपको ज़रूर मेंशन करना होगा। फिर उसके बाद आपको लास्टली आप चेक कर लीजिए कोई एरर्स ना हो, क्योंकि लास्ट थिंग आप नहीं चाहते हैं कि लास्ट टाइम आपको कोई एरर है, आप बॉस आप उस एरर के लिए आपको अप्रूव ना करे आपका लेटर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, टू से स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट, ठीक है। तो टू आप कंपनी को लिखेंगे सबसे सिंपल, फिर डेट किस दिन आप एक्चुअली लिख रहे हैं लेटर को, फ्रॉम आप अपने बारे में लिखेंगे यहाँ पे। फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट में आप लिख देंगे बस वेकेशन लीव लेटर, एज सिंपल एज दैट। फिर सर या मैडम डिपेंडिंगली, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पूरा स्ट्रेट टू द पॉइंट लिखना है और फॉर्मल रखना है। तो आप स्टार्ट करिए ऐसे, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट आई विश टू टेक अ लीव फ्रॉम, किस दिन से आप लीव लेना चाह रहे हैं उस डेट को आप लिखिए, टू किस दिन तक, ठीक है। जैसे आज अप्रैल से आप मई तक ले रहे हैं या कुछ जैसे भी, ड्यू टू रीजन्स, आपका रीजन्स जेन्युइन होना चाहिए। या वेकेशन लिख रहे तो वेकेशन के बारे में जेन्युइनली लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखिए आई हैव मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट सच एज, फिर आपको ये भी बताना होगा कि आप, क्योंकि आप एबसेंट रहेंगे इस पीरियड के ड्यूरिंग, तो आपको मैं बताना होगा कि आप क्या क्या करके जा रहे हैं, ठीक है। आप लिख दीजिए आप क्या क्या अरेंजमेंट करके जा रहे हैं कंपनी के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दीजिए एंड आई हैव कंप्लीटेड ऑल द टास्क असाइन फॉर द रिमेनिंग ड्यूरेशन। मतलब सपोज कर लीजिए एक महीने के लिए आप बाहर जा रहे हैं, तो उस एक महीने का सारा वर्क आप अभी कंप्लीट करके आप जा रहे हैं, तो आप ये बोल दिए हैं, ठीक है। तो अच्छा पॉइंट है। और फिर भी आप ये ज़रूर लिखिएगा इफ़ यू नीड मी फॉर एनी रीज़न यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट, आप बोल दीजिए कि अगर आप फिर भी कुछ इमरजेंसी या कुछ ज़रूरत है तो आप मेरे को ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए, या आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो आप अपना यहाँ पर ईमेल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दीजिए फिर से। और लास्ट में आप अच्छा नोट से लिख दीजिए आई ईगरली वॉन्ट योर रिस्पॉन्स सो दैट आई कैन मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स। मतलब आप बोल दीजिए कि आप अप्रूव कर देंगे तो हम सारा अरेंजमेंट जो हम बोले हैं वो कर देंगे, ठीक है। फिर आप एंड करिए योर सिंसियरली, और यहाँ पर अपना आप नेम फिर सिग्नेचर ज़रूर दें, ओके। तो इसी तरह आप कंप्लीट करते हैं एक वेकेशन लीव लेटर। तो अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे और अपना वर्क आप जो एक्चुअली मैनेजमेंट करें उसको आप सही तरीके से करिए, तो लीव ज़रूर ग्रांट हो जाएगा। तो ये थे कुछ टिप्स और फॉर्मेट, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।